नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से नेपाली क्रिकेटर्स अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो बेहद ही काबिले तारीफ है और इसके लिए उनका अप्रिसिएशन होना बेहद ही जरूरी है। इसी को लेकर नेपाल के पार्लियामेंट में एक सवाल खड़ा हुआ कि नेपाल की सरकार नेपाली क्रिकेट टीम का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए उनको मदद क्यों और नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर नेपाल के क्रिकेटर्स जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने पूरे 100% एफर्ट्स के साथ खुद को झोंक दे रहे हैं। ऐसे में ये भी पता चलता है कि सरकारों ने साथ दिया है तभी गेम को इतना आगे ले जाया जा सका है, लेकिन इसको और बूस्टअप करने की जरूरत है। और इसीलिए नेपाल की पार्लियामेंट में इसको लेकर एक सवाल भी हुआ कि जब नेपाली क्रिकेट टीम्स के प्लेयर्स जीतते हैं तो उनको मिलने वाली राशि उनको जल्द से जल्द क्यों नहीं पहुंचाई जाती। इस मुद्दे को रखा गया कि कई पुरानी राशियों को भी उन प्लेयर्स तक नहीं पहुंचाया गया। यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला कि एक तरफ भारत के कप्तान रोहित शर्मा एक साल का 27 करोड़ कमाते हैं, वहीं दूसरी ओर नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल एक साल का मात्र 7 लाख ही कमाते हैं। जब क्रिकेट खिलाड़ी भिडियो कन्फरेंस में बधाई दिदै गर्दाखेरि त्यतिखेर अनुहार कस्तो हुन्छ, 17 लाख रुपैयाँ दिने भनेर वाचा गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म नेपालका खेलाडीको खातामा एक रुपियाँ पैसा पनि आएको छैन, भुक भोकै खेलिरहेका छन्। भारतका क्रिकेट खेलाडीका कप्तान रोहित शर्माले एक वर्षमा 27 करोड आमदानी गरिरहँदा नेपालका क्रिकेट खेलाडी कप्तान रोहित पौडेलको 7,20,000 भन्दा बढी छैन। जब क्रिकेट मैदानमा छिर्छौँ रगत पसिना बगाउँछौँ, जब भोक लाग्छ छाम्छौँ गोजी हजार पटक त्रसित हुन्छु। क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रुपियाँ पैसा अहिलेसम्म किन रोकेर राखिएको छ, यो पैसा छिटो देऊ। इतना बडा ग्याप होने के बावजूद प्लेयर्स अपनी जान झोंकते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और सरकारें उनके इनाम के तौर पर जो प्राइज देती हैं वो भी नहीं पहुंचता ठीक से। यहां पर प्लेयर्स का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए उनको मदद मिलनी बेहद ही जरूरी है। इससे उनके फॉर्म अच्छे होंगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, साथ ही साथ वो और ज्यादा फोकस कर पाएंगे गेम पर। और सभी एशियन गेम्स में नेपाल का प्रदर्शन बिल्कुल धुआंधार रहा, भारत के साथ भी प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा जो बिल्कुल काबिले तारीफ था। और इस पर अगर प्लेयर्स को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो 4 चांद ही लग जाए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या नेपाली प्लेयर्स को सरकारी सपोर्ट मिलना चाहिए और साथ ही क्या आपको लगता है कि यहाँ पर करप्शन होता है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग सोचते हैं इन मुद्दों पर। तो चलिए हम जान लेते हैं कि नेपाल के क्रिकेटर्स कितना आखिर कमाते हैं और इनको सैलरी के फॉर्म में या फिर कितने पैसे मिलते हैं ऑफिशियल तौर पर। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी कि कैन नेपाली क्रिकेटर प्लेयर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखता है और इसी के अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए जाते हैं यानी कि सैलरी दी जाती है। ये कैटेगरीज ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी में कैटेगराइज्ड हैं और नेपाली क्रिकेटर की सैलरी उनके ग्रेड के हिसाब से ही तय की जाती है। दोस्तों ग्रेड ए प्लेयर को मिलते हैं 60,000 पर मंथ, साथ साथ ग्रेड बी प्लेयर्स को मिलते हैं 50,000 रुपए पर मंथ, साथ ही साथ ग्रेड सी प्लेयर्स को मिलते हैं 40,000 रुपए पर मंथ। वहीं नेपाल की वुमेन्स क्रिकेट यानी कि महिला खिलाड़ियों की बात करें तो महिला खिलाड़ियों की ग्रेड ए पे है 21,000 रुपए पर मंथ, ग्रेड बी प्लेयर्स की है 18,000 रुपए पर मंथ और ग्रेड सी प्लेयर्स की है 15,000 रुपए पर मंथ। दोस्तों सिर्फ यही पैसे इन प्लेयर्स को नहीं मिलते, इसके अलावा मैच फी भी इनको दी जाती है। नेपाली प्लेयर जो भी मैच खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी उस मैच के अकॉर्डिंग उनको पे भी किया जाता है। जैसे कि एक ओडीआई खेलने पर 10,000 रुपए पर मैच उनको दिया जाता है जो कि उनकी सैलरी से अपार्ट एक्स्ट्रा होता है। साथ ही साथ T20 खेलने के लिए उनको 5,000 रुपए पर मैच दिया जाता है। अब आप कहोगे कि ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी में कौन कौन से प्लेयर्स हैं नेपाल क्रिकेट टीम में। तो दोस्तों ग्रेड ए की बात करें तो रोहित पौडेल, सोमपाल कामी, करण केसी, दीपेंद्र सिंगेरी और आसिफ, और आसिफ शेख को ग्रेड ए में रखा गया है यानी कि इनकी सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ है। ग्रेड बी की बात करें तो इसमें आरिफ शेख, कुशल भुरतेल, ज्ञानेंद्र मल्ला हैं जिनकी सैलरी 50,000 पर मंथ है। साथ ही साथ ग्रेड सी की बात करें तो कमल सिंह एरी, वीरेंद्र, गुलशन कुमार झा, अर्जुन साउद, अभिनाश, ललित नारायण, कुशल मल्ला, देव कनाल, सागर धकल और विवेक यादव, इनकी सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ है। इसके अलावा नेपाली क्रिकेटर्स कई और तरीकों से भी पैसे कमाते हैं जैसे कि क्रिकेट लीग्स। इन क्रिकेट लीग्स में डिफरेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीग्स में ये प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां पर प्लेयर्स को पे किया जाता है उनको खेलने के लिए कोई फ्रेंचाइजी के चलते, जैसे कि IPL हो गया या फिर कोई और ऐसे ही टूर्नामेंट्स हो गए, और इनकी सैलरी कोई फिक्स नहीं, वो प्लेयर टू प्लेयर डिफर करता है। इसके अलावा जो प्लेयर्स होते हैं उनको मिलते हैं स्पॉन्सरशिप डील। नेपाली क्रिकेटर काफी पैसे कमा लेते हैं स्पॉन्सरशिप के चलते जिससे वो ब्रांड और कंपनीज के साथ इंडोर्समेंट करते हैं यानी कि उनके एड्स करते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं जिसके चलते
वो स्पॉन्सर से पैसे कमाते हैं। इसके अलावा काफ़ी बड़े मौके होते हैं जब इन प्लेयर्स को एक बड़ा अमाउंट भी मिलता है, जैसे कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट कैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो ऐसे प्राइज मनी भी काफ़ी बड़े होते हैं, लाख रुपए, 2 लाख रुपए कभी कभी। तो ये प्राइज मनी उनकी सैलरी से बहुत अलग होता है, तो ये भी इन क्रिकेटर्स को फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा प्लेयर्स कई बार ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं बहुत सारी ब्रांड्स के, जो उनको एक एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट करके देता है। तो ये थी आज की फुल रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही अपने आप जरूर देखिएगा। और ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए NI News with शिवम।